अर्न अकेडमी के मंच पे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अर्न अकेडमी। आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ओवर हियर। इस मंच में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके मेरा सेशन ऑलरेडी चल रहा है और उसी कड़ी में आज बीच में मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ आपका आर्ट एंड कल्चर का। काफी रिक्वायरमेंट आप लोगों की आ रही थी कि सर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मटेरियल इंग्लिश में नहीं है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर इंग्लिश मीडियम में। मेरे खुद का जो टेस्ट सीरीज है वहां पे भी मैं काम कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर का खास तौर पे मैं धीरे धीरे करके सारे टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान के इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा आपको, जो आप लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी। तो मेरा एनआईटी इलाहाबाद से इंजीनियरिंग किया जो अनुभव है, यूपीएससी आरपीसी का मेरा 7 साल का अनुभव है और केंद्र सरकार में कार्यरत हूँ। आज की तारीख में गेट में ऑल इंडिया 6th रैंक आया था। तो यूपीएससी का जो मेंस क्वालिफाई किया उसका अनुभव आपको इंडिया के पोर्शन में और अभी आर्ट एंड कल्चर में उसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। तो साथियों, मेरा एक लेक्चर आया था आपका सेशन एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पे लेक्चर्स आए थे प्लस कोर्स पे। ये मैंने काम किया था 15 नवंबर से, मेरा कोड है NAV10। मेरे कोड का इस्तेमाल करके मेरे सारे लेक्चर्स आप पुराने देख सकते हो प्लस कोर्स पे। और अभी इस मंथ में 9 या 10 तारीख से मेरा नया बैच आ रहा है पेपर नंबर 2 पे। अगेन RS मेंस के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं 9 10 तारीख से, कोड रहेगा NAV10, जिसमें मैं काम करूंगा साइंस एंड टेक पे एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पे। तो ये तो पहली बात। अभी आज मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूँ उस क्लास के माध्यम से, जो काफी लोगों की आपके रिक्वायरमेंट आती है, बिल्कुल निकिता जी आप सभी के साथियों का स्वागत है। काफी रिक्वायरमेंट आप लोगों की आती है कि आर्ट एंड कल्चर का इंग्लिश में मटेरियल नहीं मिलता। तो जहां तक राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पे जो सेगमेंट करता हूं उसको, तो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स एक टॉपिक है, हैंडीक्राफ्ट जो कि आज मैं चर्चा करूंगा इस पे आपसे, हैंडीक्राफ्ट टॉपिक पे आज बात करेंगे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से हैंडीक्राफ्ट पे। आर्किटेक्चर है, मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज है, ये नया जोड़ा है मेजर साइट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड टूरिज्म राजस्थान। राजस्थान के टूरिज्म को इस बार इंपॉर्टेंस मिलने वाला है आपके इस एग्जाम मेंस एग्जाम में, एक सवाल इस वर्ल्ड हेरिटेज या टूरिज्म से आ सकने की बहुत ज्यादा संभावना। फिर नॉर्मली जो आप डांस पढ़ते हो, फेयर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ठीक है ये सब तो है ही आपका, फोक म्यूजिक, फोक डांस, ड्रामा राजस्थान का। तो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, ये स्पेसिफिक ऐसी चीजें हैं जहां पे टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आपसे, ये मेरा पहला लेक्चर है आर्ट एंड कल्चर का, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मेरा फर्स्ट लेक्चर, और इसको मैं इंग्लिश में, जैसा कि मैंने कहा था कि इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा मटेरियल आपको राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स का भी, तो उसी कड़ी में काम करते हुए आज मैं आपसे हैंडीक्राफ्ट वाले एरिया में काम करूंगा, हैंडीक्राफ्ट वाले टॉपिक में मैं काम करूंगा, स्टार्टिंग यहां से करूंगा। फिर मैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स को कवर करूंगा ग्रेजुअल मैनर में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। तो ये चीज अब देखिए साथियों, जैसा कि ये बात मैं आपसे कई बार कहता हूं, साइंस में ये फंडा एकदम एप्लीकेबल है, सीधी बात, नो बकवास, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है अपना, आर्ट एंड कल्चर में भी एप्लीकेबल है। आर्ट एंड कल्चर में भी अगर आपने एग्जामिनर को अननेसेसरी घुमाने की कोशिश करी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, यकीन करना मार्क्स नहीं मिलते। मार्क्स उसी को मिलते हैं जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट जवाब देता है आर्ट एंड कल्चर में। ये भी एक खास बात है, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री नहीं है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, ऐसे कई लेक्चर्स में लेने वाला हूं समय के साथ में, बट फर्स्ट लेक्चर में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हैंडीक्राफ्ट पे अपन फोकस करते हैं। फिर मैं आपको लास्ट में, जो लास्ट 2018 के अंदर एक सवाल आया था, वो सवाल कहां से आया था, सवाल का सॉल्यूशन क्या है, वो भी प्रोवाइड करूंगा इस मंच पे। तो पहली चीज जो चर्चा करने वाला हूं आपसे, ब्लू पोल्ट्री। ब्लू पोल्ट्री को अब कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेते हैं, ये पोल्ट्री का क्या है, टॉपिक क्या है, इसके अंदर कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कौन कौन से प्रोसेस यहां पे इन्वॉल्व है। तो शुरुआत करेंगे ब्लू पोल्ट्री से और कवर करते हैं इसको खत्म। तो पहली चीज साथियों यहां पे देखेंगे, जो ब्लू पोल्ट्री है ना, जयपुर की बड़ी फेमस है। ये कहां की फेमस है आपकी, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जयपुर का, पॉइंट नंबर वन। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ब्लू पोल्ट्री का 2 नंबर 5 नंबर में आता है RS मुख्य परीक्षा, पहली लाइन क्या लिखनी है आपको, फर्स्ट लाइन लिखनी है ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ जयपुर, फर्स्ट लाइन ये लिखनी ही है वहां पे। पर इसका जो क्या है, जयपुर में राजस्थान से इसका ओरिजिन है, नहीं, राजस्थान ने कहां से लिया है, राजस्थान को भी इसकी जो देन है वो पर्शियन, टर्किश पर्शियन ओरिजिन।
क्योंकि हाँ हम जानते हैं कि मुगलों का शासन राजस्थान में रहा, तो मुगलों के संपर्क में आने से ये जो बेसिकली कला है राजस्थान में आई थी। तो इसका ओरिजिनल सोर्स है आपका टर्किश एंड पर्शियन, पहली चीज। अब इसको ब्लू पोएट्री क्यों कहते हैं, नाम से क्लियर है कि इसमें जुड़ा है ब्लू। ब्लू ब्लू का मतलब आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ब्लू डाई, इसके इसके पोएट्री का जो कलर है ना उसको रंग रूप देने के लिए यहां पे ब्लू डाई का हमने इस्तेमाल किया। ब्लू डाई इज यूज टू कलर दी पोट्री, इसलिए उसको ब्लू पोट्री कहते हैं। ये तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जयपुर की जो राजस्थान की यहाँ पे राजधानी पिंक सिटी, इसकी ब्लू पोट्री बहुत फेमस है। बेसिकली जो इजिप्टियन, इजिप्ट में भी कला फेमस है, और इजिप्टियन जो बेसिकली आपका जो कला है वहां पे जिस मटेरियल का इस्तेमाल होता है पोल्ट्री फॉर्मेशन में, वही सेम मटेरियल हमने यहाँ यूज करा है जयपुर की ब्लू पोल्ट्री में। एक खास बात जो आपको एग्जाम में लिखनी है मुख्य परीक्षा में, वो मैंने अलग से यहाँ पे उसको बोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी किताब जो लिख रहा हूँ अपनी, पहले साइंस एंड टेक की किताब आ रही है मेरी, इस फ्राइडे तक आ जाएगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, RS 360 के नाम से। फिर आपकी ऐसे करके मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की इंग्लिश में किताब निकालूंगा, पहले साइंस एंड टेक, उसके बाद धीरे धीरे करके इस मंथ तक सारे सिलेबस खत्म RS मेंस का। तो बेसिकली ये जो आपकी ब्लू पोट्री है ये ग्लेस एंड लो फायर्ड, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है और समझना है कि ब्लू पोट्री के फॉर्मेशन में जो टेम्परेचर है ना, इसकी जो आप हीट करते हो वो लो फायर्ड है, मतलब कि कम टेम्परेचर तक हीट करोगे, बहुत ज्यादा इसकी बर्निंग नहीं होगी। ये पॉइंट है लो फायर्ड और एक ग्लेज्ड, तो ये पॉइंट अपने एग्जाम में जरूर लिख के आना, इट इज ग्लेज्ड एंड लो फायर्ड। और एक खास बात, इसमें कोई क्ले यूज नहीं होता, नो क्ले इज यूज्ड। ब्लू पोल्ट्री के फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग में नो क्ले इज यूज्ड। द डाउ फॉर द पोल्ट्री इज प्रिपेयर्ड बाय, उसका डाउ डफ कैसे बनता है जिसपे अपन काम करेंगे, जो बेस, उसका बेस कैसे बनेगा, जो आपका क्वार्ट्ज स्टोन है, क्वार्ट्ज स्टोन का ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछता है ना तो वो टेक्निकल आपके एस्पेक्ट भी कवर करेगा कि ब्लू पोल्ट्री कैसे कैसे बना है। तो यहां पर डब की बात करें तो बेसिकली क्वार्ट्ज स्टोन का आपने यूज करा, स्टोन पाउडर का यूज करा, बेसिकली आपने पाउडर ग्लास का यूज करा यहाँ पे। उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी को बोलते हैं अपन फुलर्स अर्थ, मुल्तानी मिट्टी फुलर्स अर्थ, इसका इस्तेमाल करा। बोराक्स, बोराक्स का यूज करा, बोराक्स केमिकल का यूज किया। गम एंड वाटर का, तो आपने क्ले यूज यहाँ पे नहीं करा है। आधे लोग, मैं देखा जब अपने टेस्ट सीरीज ले रहा था मैं, तो उसमें लोगों ने ये, मैंने ब्लू पोल्ट्री का सवाल लिखा था कि ब्लू पोल्ट्री का विस्तृत वर्णन कीजिए, ब्लू पोल्ट्री को डिस्क्राइब कीजिए, तो काफी लोगों ने अपने जवाब में यहाँ पे क्ले मेंशन करा, क्ले नहीं होता इस्तेमाल। तो यहाँ पे अपन इस्तेमाल क्या करते हैं, इसके डब जो है उसमें पोल्ट्री के लिए अपन प्रिपेयर करते हैं क्वार्ट्ज स्टोन नंबर वन, उसका पाउडर, उसका चूरा, क्वार्ट्ज स्टोन का चूरा, उसके अलावा पाउडर गिलास, पाउडर वो भी ग्लास का जो है, सिलिकन और अल्मोनियम, सिलिकन का जो फॉर्मूला है आप देखोगे ग्लास के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसका पाउडर फॉर्म। फिर आप देखोगे मुल्तानी मिट्टी, फुलर अर्थ हमने यूज करा है, बोराक्स आपने यूज करा है, आपने गम और वाटर यूज करा है, ठीक है। तो ब्लू पोल्ट्री में आपने ये चीजें यूज करी है, इनको अच्छे से याद रखना, एग्जाम में लिखे हैं बिल्कुल। गुड़ी परी चौधरी जी और मिशन टेक, अब निखिल शर्मा जी, सभी साथियों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, ये बहुत खास बात है कि एक पॉइंट आपको याद है वो रखना है जो हमेशा इस एग्जाम में लिखना है आर्ट एंड कल्चर में, खास तौर पे वो टेक्निकल बारीकियां आपसे निकलवाना चाहता है। ऐसे तो ब्लू पोल्ट्री के बारे में कुछ भी लिख दोगे आप एग्जाम, अभी भी लिख दोगे, अभी मैं दूंगा आपको, नहीं पढ़ा तो भी लिख दोगे, जयपुर का पावर लिख दोगे, कुछ और बातें लिख दोगे, लेकिन मार्क्स किसको मिलेंगे, जो वहां पे ये पॉइंट मेंशन करेगा अपनी कॉपी के अंदर कि क्ले हम यूज नहीं करते, इसके डब को प्रिपेयर किया है क्वार्ट्ज स्टोन के चूरे पाउडर से, फिर आपने यहाँ पे पाउडर ग्लास यूज करा है, मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स अर्थ यूज किया, आपने बोराक्स गम एंड पाउडर यूज कराया, आपने वाटर का भी, वाटर भी, तो वाटर तो रहेगा इसके अंदर। तो इसका एक तो ये, उसके अलावा देखोगे यहाँ पे कुछ जगहों पे यहाँ पे गोंड पाउडर गम उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको सोडा बाइकार्बोनेट लिखा, उसका इस्तेमाल भी करते हैं कई कई जगहों मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वो इसके एक इनग्रेडिएंट है, इनग्रेडिएंट है सम ऑफ दीज पोल्ट्री, मतलब कुछ कुछ जगहों पर देखोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और आपके एक गम का इस्तेमाल भी होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ब्लू पोल्ट्री की। तीसरी खास बात जो नोट करने की वो ये है कि पोल्ट्री आपकी सेमी ट्रांसपेरेंट है, ये सेमी कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी सेमी ट्रांसपेरेंट है ये पोल्ट्री जो बनती है आपकी, एंड मोस्टली डेकोरेटेड विथ एनिमल। जनरली आप देखोगे यहाँ पे, इसमें भी देख सकते हो, जनरली एनिमल के
एनिमल के, बर्ड्स के मोटिव से, एनिमल के या बर्ड के मोटिव से इसको सजाया जाता है। ब्लू पोट्री को जनरली एनिमल या बर्ड के मोटिव से सजाया जाता है, ये पॉइंट भी लिखना है भाई। हर 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 एक पोट्री की पहचान है ना, उस पर किस तरह डेकोरेट करोगे। तो डेकोरेशन के लिए जो मोटिव आपने इस्तेमाल करा वो यहां पे बर्ड्स और एनिमल्स हैं, इन जनरल, इन जनरल। और लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये आपको अपने एग्जाम में जरूर लिखनी है कि जो ब्लू पोल्ट्री है ना, यहाँ पे कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे आप हीट करते हो इसको, आप कम टेम्परेचर पे हीटिंग करते हो, फायर करते हो, और जिसकी वजह से जो पोल्ट्री बनती है वो फ्रेगाइल नेचर की है। ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ये फ्रेगाइल का मतलब क्या है, फ्रेगाइल का मतलब ये है कि ये बहुत आसानी से टूट जाएगी अगर ये किसी गिर गई, क्योंकि ये नाजुक हुआ ना भाई, आपने कम टेम्परेचर फायर किया तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, फ्रेगाइल है, टूट सकती है आसानी से, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया, गिर गया, टूट जाएगा। तो ब्लू पोल्ट्री में खास बात ये, जो आपको पूरे इसके निचोड़ ही आ रहा है, एक तो निकल के ही आ रहा है कि ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जयपुर की फेमस है, नंबर वन। ब्लू पोल्ट्री क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ब्लू कलर है, ब्लू कलर कहां से मिला, वो डाई से मिला उसको, जाहिर सी बात है डाई से अपने डाई यूज करिए कलर के लिए। तीसरी बात, जयपुर की ब्लू पोल्ट्री फेमस है, और ये जो आपकी पोल्ट्री है, इजिप्टियन, इजिप्टियन जो कल्चर में जो आपका मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सेम मटेरियल हमने इस्तेमाल करा है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे खास बात ये है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी क्ले का इस्तेमाल नहीं होता, हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके डब के फॉर्मेशन में, प्रिपरेशन में, क्वार्ट्ज स्टोन का पाउडर, बोराक्स पाउडर ग्लास, मुल्तानी मिट्टी जो कि फुलर्स अर्थ है, गम एंड वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स है इसके। कई कई जगहों पे सोडा बाइकार्बोनेट और ये गम गोंड पाउडर इसका इस्तेमाल भी किया था। और ये पोल्ट्री सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स के मोटिफ जनरली आपको दिखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि लो टेम्परेचर पर फायर कराया इसको, इसलिए फ्रेगाइल नेचर का है, टूट जाएगा आसानी से, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, स्ट्रेंथ टफनेस उतनी नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो एग्जाम में ब्लू पोल्ट्री का आता है। तो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिलता ना आपको, ये मैं सारा आर्ट एंड राजस्थान भी इंग्लिश मीडियम में कवर कर रहा हूँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरी टेस्ट सीरीज जो चल रही है वहां भी मैं इंग्लिश मीडियम में ही चेक, सब कुछ काम उसी हिसाब से हो रहा है। तो खैर ठीक है, तो ये आपकी कहानी, अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो इसमें एक और चीज, एक और आइटम देख लेते हैं। अगर मान लो 5 नंबर का सवाल आ गया, ब्लू पोल्ट्री 5 नंबर का सवाल आ गया, तो और एडिशनल पॉइंट क्या है आपके पास, एडिशनल पॉइंट निकल के आते हैं कि बेसिकली ये जो है ना, इसकी रेंज ऑफ आइटम जो है वो प्राइमरीली डेकोरेटिव, जनरली डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए काम में होता है। जो जो आपने देखा ना पोल्ट्री जो स्ट्रक्चर थे वो डेकोरेटिव पर्पसेस से काम में लेते हैं, घरों में सजावट के लिए, सच एज एस्ट्रे वेसेस, और उस जमाने में भी एस्ट्रे वेसेस, कोस्टर्स, स्मॉल बाउल्स, बॉक्सेस फॉर ट्रिंगल, ये सब इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, अपने डेकोरेशन के लिए, फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। द कलर पैलेट इज रेसिड ब्लू जो है आपका डिराइव्ड फ्रॉम द कोबाल्ट। अब ये खास बात, ये जो ब्लू कलर है ये डिराइव कहां से हुआ है, ये ब्लू कलर पोल्ट्री पे कहां से, मतलब इसका ओरिजिन क्या है। तो एक तो है कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट वो डाई है ना, डाई की बात कर रहा हूँ, कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर आपका ग्रीन जो है, यदि ग्रीन कलर होगा उस पर, तो कॉपर ऑक्साइड से आता है, एंड व्हाइट थ्रू अनदर नॉन कन्वेंशनल कलर्स। तो जनरली अपन जो ब्लू कलर की बात करें, कोबाल्ट ऑक्साइड से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो ये कहानी, अब इसमें जो यूज ऑफ ब्लू ग्लेज ऑन पोल्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक फर्स्ट, ये जो कंसेप्ट है टर्किश और पर्शियन, उससे राजस्थान में आया, टर्किश पर्शियन उसका ओरिजिन है। और थोड़ा डिटेल में जाए तो जो ब्लू ग्लेज, जो पोल्ट्री पे जो ब्लू ग्लेज है, इस टेक्निक को सबसे पहले, जो कलर देने का तकनीक है ना, कलर दिया गया कोबाल्ट ऑक्साइड से, ये तकनीक सबसे पहले मंगोल आर्टिशन जो है वो चाइनीज ग्लेजिंग टेक्नोलॉजी से कंबाइंड करके और पर्शियन डेकोरेटिव आर्ट के साथ में कंबाइन करके ये आई थी। तो सबसे पहले ये जो टेक्निक थी आपकी, ये मंगोल आर्टिशन थे, उन्होंने मतलब ब्लू कलर आई तो टर्किश और पर्शियन ओरिजन है, लेकिन जो ब्लू ग्लेजिंग देखते हो आप, ये ब्लू ग्लेजिंग है इन मंगोलिया के आर्टिशन की वजह से, 14th सेंचुरी की बात है, 14th सेंचुरी की बात है। और ये इंडिया में कैसे आई, जैसे मैंने कहा जो टर्की, याद करो टर्किश कॉन्क्वेस्ट, 14th सेंचुरी का एंड होने वाला है, 14th सेंचुरी के एंड में जब टर्किश कॉन्क्वेस्ट होता है, टर्की जो है कॉन्क्वेस्ट करके जीत लेता है काफी एरिया को, और अब देखते ही उस समय हमारे जो आपके तैमूर, तैमूर का जो अटैक है, तो ये उस जमाने में जब वो जब कोई इस तरह का अटैक करके कुछ विजय प्राप्त करता है ना, तो साथ में आर्टिशन जो कल्चर वो भी माइग्रेट होके उस देश में आता है,
जब भी लड़ाई युद्ध युद्ध का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, कोई भी लड़ाई कहीं से भी होती है तो युद्ध का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आपके उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे वो युद्ध लड़ा जाता है, जो जीत लिया जाता है, तो वहां पे कुछ इस तरह के आर्टिशन कल्चर ये भी माइग्रेट और बहुत प्रोपगेट होता है स्पेसिफिक एरिया में। तो राजस्थान में तो आ गया भाई, अपना संबंध मुगलों से रहा है तो आना ही था, ये तो टर्शियन पर्शियन टर्की उसके पर्शियन, फिर मुगलों से रहा तो हमारे हमारे राज्य के अंदर आ गया। लेकिन इसको जो बढ़ावा दिया, इसको बढ़ावा देने का काम जो फेमस नाम जाता है वो है जयपुर के सवाई राम सिंह जी को, जयपुर के सवाई राम सिंह साहब को 1835 1880 का कार्यकाल इनका, जयपुर के रूलर सवाई राम सिंह। तो बेसिकली इन्होंने लोकल, इन्होंने ये इतने प्रभावित थे कि इन्होंने ट्रेनिंग के लिए दिल्ली में अपने आर्टिस्टन को भेजा था कि जाओ ट्रेनिंग लेकर आओ, जाओ स्किल इंडिया सीख कर आओ, जाके स्किल सीख के आओ और यहाँ पे अपने अपने राज्य में आके उसको अमल करो। तो ये इनका काफी श्रेय है राजस्थान में इसको प्रोपागेट करने के लिए सवाई राम सिंह। तो अपने जवाब में इनका नाम भी मेंशन कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल करके। ये पूछ कहीं पूछा जयपुर में डेवलपमेंट के लिए किसका योगदान रहा, तो सवाई राम सिंह साहब का रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये मैंने पूरी कहानी मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। बिल्कुल हाथी सिंह राठौड़ जी, आपका भी स्वागत है, जय श्री राम, जय माता जी, सब सभी देव देवी देवताओं का मेरा भी हार्दिक अभिनंदन। तो ये एक खास बात जो आपको याद रखनी है। देखिए साथियों और बात करते हैं उसके अलावा, देखिए अब ये जयपुर का तो ब्लू पोट्री फेमस है, लेकिन स्वाई माधापुर का भी जो पोल्ट्री है वो ब्लू तो नहीं है, ब्लैक कलर का है। स्वाई माधापुर का जो पोल्ट्री है वो ब्लैक कलर का पोल्ट्री है, ये भी जनरली बहुत विख्यात है और श्रेणी में आता है। तो स्वाई माधापुर का पोल्ट्री ब्लैक कलर का है, बहुत फेमस है, ठीक है। और इसकी जो क्ले है, मिट्टी है, टेकन फ्रॉम द बैंक्स ऑफ नीरा बना। अब यहां पे अपन ने क्ले का यूज करा है, यहां पे अपन ने क्ले का यूज करा है, वहां पे क्ले नहीं था ब्लू पोट्री में। द क्ले टेकन फ्रॉम द बैंक्स ऑफ नीरवा बनास रिवर, चूंकि सवाई माधोपुर उसके पास, उस सवाई माधोपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बनास रिवर, बनास नदी के तट पे स्थित है। तो वहां पे जो बेसिकली मिट्टी बनास रिवर से है उससे अपने इस्तेमाल करके ऐसा क्ले बनाया। द अनवांटेड स्टोन्स एंड स्ट्रॉ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंसी, तो अनवांटेड स्टोन जो थे जो रहते हैं उसको साफ सू करके आपने इस मिट्टी का इस्तेमाल, क्ले का इस्तेमाल करा है स्वयं मधुपुर की बनास नदी के पास का एरिया। इसमें खास बात यह है कि ठीक है आपने क्ले को स्टोर किया, फिर क्ले को स्टोर करने के बाद उसको यूज करा आपने, प्रॉपर क्वांटिटी आपने जो जो आपने मड, उस क्ले से जो मड प्रिपेयर करी उस मड को आपने व्हील पे चढ़ाया, व्हील को फिर घुमाया, व्हील को आपने घुमाया, पोटर ने व्हील को घुमाया, चक्का घुमाते ना, व्हील को पोटर ने घुमाया एंड शेप, प्रॉपर शेप दिया उसको घुमाने से, प्रॉपर शेप जिस तरह की शेप चाहते हैं उस तरह की शेप दिया आपने घुमाने से व्हील पे। फिर पोटर ने जो बेसिकली अपने यूज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और शेप क्योंकि ये टोटल ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है, हैंडमेड क्राफ्ट है, हैंडमेड क्राफ्ट है, तो जो पोटर है ना वो खुद ही अपने हाथों से यहाँ पे कलाकारी दिखाते हुए डिजाइन देते हैं, मैनुअली शेप करते हैं और उसके उसके प्रोडक्ट की पॉलिश की जाती है, उनको स्मूथन किया जाता है। द टर्न्ड एंड पॉलिश्ड प्रोडक्ट इज राइट, जब ये प्रोडक्ट पॉलिश हो जाता है उसके बाद इसको सुखाया जाता है, सुखाने के लिए हम किसी भट्टे का इस्तेमाल नहीं करते, सुखाने के लिए सन में, सन की जो एनर्जी में, सन की रेज में आप दो घंटे तक पर्टिकुलरली सन की रेज में उसको रख देते हो ड्राई करने के बाद इन दी शेड फॉर अनदर, और उसके बाद जब आपने सन में रख दिया फिर सूख गया, फिर उसके बाद शेड में रख दो, शेड में रख दो अनदर टू एंड फाइनली फायर्ड। तो 2 घंटे तो सन में, 2 घंटे शेड में, और उसके बाद आप फाइनली इसको फायर्ड करते हो स्ट्रक्चर शेप देने के लिए। तो पॉलिशिंग ऑफ द टेरेकोटा वेयर्स बिफोर फायरिंग इज व्हाट गिव्स दी, जो आपने पॉलिशिंग की है ना उसमें फायरिंग से पहले, इस स्टेज पे जो पॉलिशिंग करी है फायरिंग से पहले, उसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होता है फायर होने पे वो स्पार्कल करता है। जो आपने पहले पॉलिशिंग कर दी है उसको फायर करोगे तो वो जो कलर है वो स्पार्कल करेगा, ये स्पार्कल फिनिश से आपका एंड होगा। तो इसमें जो 4-5 बात लिखनी है, ये तो पूरी कहानी मैंने आपको बताई, इसमें 4-5 बात ये लिखनी है आपको बेसिकली कि नंबर एक कि स्वाई माधापुर का फेमस है क्या, ब्लैक पोट्री, जयपुर का ब्लू पोट्री था इसका ब्लैक पोट्री, यहां पे आपने क्ले का इस्तेमाल करा है, ठीक है,
क्ले कहां से मिला? बनास नदी के तट पे जो क्ले है वो आपने इस्तेमाल करा है, उसको बेसिकली आपने क्या करा, जो बनास नदी के जो उस पे बैंक पे जो क्ले है उसको आपने व्हील पे चढ़ाया, व्हील पे चढ़ा के पूरा उसको प्रॉपरली घुमाया, उसको शेप दिया पोर्टल ने, सब काम मैनुअली हो रहा है। उसके बाद फिर जब आपने शेप दे दिया, पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद इसको सन सन की रेज में ड्राई करा 2 घंटे तक, फिर शेड में रखा 2 घंटे तक, उसके बाद लास्ट स्टेज में आपको उसको फायर किया है। तो जो पॉलिशिंग की है आपने इनिशियल स्टेज में, उस पॉलिशिंग को जब आप जब फायरिंग करते हो ना, तो स्पार्कल, तो यहां पर स्पार्कल फिनिश देखने को मिलती है, ठीक है। और एक चीज और है यहां पे जो याद रखने की, ये है आपको कि बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम क्लिन का यूज करते हैं उसको फायर करने के लिए, भट्टी कैसे, तो भट्टी का क्लीन का इस्तेमाल कराया आपने वहां पे, वो उस प्रोडक्ट को आप इसको तपा रहे हो, वहां पे तपा रहे हो उसको। तो ये 4-5 लाइनें, अगर आपको ये जनरली क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है आरएस मेंस के अंदर, प्री में तो क्या पूछेगा कि ब्लैक पोल्ट्री मैच दी फॉलोइंग, ब्लू पोल्ट्री मैच दी फॉलोइंग, तो वो जयपुर और सवाई माधोपुर मैच कराना है, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। मेंस में क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड एलाबोरेट कीजिए। तो एलाबोरेशन में पहले तो ये कहां से है, ये ब्लैक पोर्ट्री सवाई माधोपुर की है, फिर आपको बनास रिवर का मेंशन करना है, फिर जो जो आपने देखा, हमने समझा कि मिट्टी किले का इस्तेमाल करा हमने, प्लस हमने देखा कि बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करके अपने जवाब को कंक्लूड करना है। जनरली ये सवाल 5 नंबर के आते हैं, 5 नंबर में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारी कहानी आप यहाँ पे लिखोगे, सारी कहानी यहाँ पे लिखोगे, सारी कहानी लिखोगे, देन यू कैन फैच गुड मार्क्स, तभी आपको बेसिकली ये अच्छा नहीं, ब्लैक पोल्ट्री, ब्लैक सवाई माधोपुर की बता रहा हूं आपको। देखो ऐसे कई क्षेत्रों की ब्लैक पोल्ट्री कई एरियाज की है, लेकिन ये जो बात करी है मैंने आपसे सवाई माधोपुर की ब्लैक पोल्ट्री, ये भी विख्यात है, ये भी विख्यात है। ब्लू पोल्ट्री जयपुर की फेमस है ना, यहां पर भी ये भी विख्यात है। खैर ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन आते हैं अगले पड़ाव पे, टेराकोटा। अब टेराकोटा, जो टेराकोटा है ना, टेराकोटा का सवाल तो आरएस मुख्य परीक्षा 2018 में पूछा गया था, आरएस मींस 2018 में सवाल आया था कि टेराकोटा को आप कैसे प्रिपेयर, टेराकोटा होता क्या है पहले तो ये चीज, और टेराकोटा जो इससे जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर, कैसे प्रोसेस करते हो आप, उसकी विधि क्या है, उसकी विधि को एक्सप्लेन, ये सवाल पूछा था आरएस मींस 18 में। ये सवाल 5 नंबर के आते हैं, जनरली 5 मार्क के सवाल आते हैं, और वहां पे आपसे ये एक्सपर्ट किया था कि तो आप उस सारे के सारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करोगे, टेराकोटा कैसे बनता है, उसकी विधि क्या है, बात करेंगे। और मैं आपको एक इंडियन गवर्नमेंट का वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट का वीडियो भी दिखाऊंगा इसी लेक्चर में अभी थोड़ी देर के अंदर। पहले मैं बता दूं टेराकोटा क्या होता है, कैसे बनता है, फिर मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट ने जो खुद वीडियो अपलोड किया है उसको देख के सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हम देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहानी है इसकी, और इसमें टेम्परेचर कितना आता है टेराकोटा के अंदर। तो पहली चीज, टेराकोटा है क्या, टेराकोटा है क्या, अगर आपसे कोई एग्जाम पूछेगा तो उसको लिखना जवाब आना चाहिए। तो टेराकोटा बेसिकली सिरामिक मटेरियल है, नंबर वन पॉइंट जो आपकी कॉपी में आना है क्या है, सिरामिक मटेरियल है, सिरामिक मटेरियल 100% वर्ड लिखना ही लिखना है। तो सिरामिक मटेरियल पहली चीज, जिसको अपन ने डेकोरेटिव, जनरली डेकोरेटिव आर्ट्स में, डेकोरेटिव पर्पस में इसको इस्तेमाल करते हैं, हालांकि कंस्ट्रक्शन में भी यूज किया गया है, लेकिन डेकोरेटिव आर्ट्स में इसका बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी इसका एग्जांपल है। और टेराकोटा आज से नहीं, वी हैव बीन यूजिंग इट सिंस एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स में अराउंड द वर्ल्ड, भारत में नहीं सभी जगहों पे, तमाम देशों में आपको एंशियंट टाइम में दिख जाएगा टेराकोटा का इस्तेमाल। तो जो टेराकोटा वर्ड है ना, बेसिकली इसको आप ट्रांसलेट करोगे अंग्रेजी में, इसको ट्रांसलेट करोगे अंग्रेजी में तो निकलेगा आपका बेक्ड अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी को जो बेक किया हो, मिट्टी को बेक किया हो, तो इसका एक सिंगल अर्थ निकलता है वो है बेक्ड अर्थ, बेक कराओ, जला के उसको बेक किया हो आपने, बेक अर्थ इंग्लिश में, मतलब इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द नेचुरल क्ले। अब अगेन ये जो इसका फॉर्मेशन है, जो क्ले है, मिट्टी है, उसी को आपने यहाँ पे बेक किया है, तो ये नेचुरल क्ले से आपका बनता है, विच इज वाई हैज द कैरेक्टरिस्टिक रेडिश ब्राउन, इसी एक नेचुरल आपके क्ले से बना है ना, इसीलिए रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा आपको, इसका कलर दिखेगा आपको जो नेचुरल कलर है इसका, वो है रेडिश ब्राउन। क्यों? क्योंकि बेसिकली सॉइल मिट्टी उस क्ले से बना है, तो उसका कलर तो उसमें आना ही है, और आपने इसको हीट भी कराया ना, तो रेडिशनेस वहां से आ गई है, तो रेडिश तो हीटनेस हीट की वजह से आई है, और ब्राउन कलर उसका उसका क्ले का कलर था, तो इसका जो कलर मिलेगा आपको रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, ये है टेराकोटा, ठीक है।
सिरामिक मटेरियल है, डेकोरेटिव आर्ट में काम आता है, इसको बेक्ड अर्थ भी कहते हैं। ये पूरी कहानी इन शॉर्ट आगे देखते हैं। तो देखिए अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, अभी मैं आपको इन डिटेल इस टेराकोटा की फॉर्मेशन के सारे स्टेप बताऊंगा, कैसे टेराकोटा बनता है, कैसे बनता है। तो पहला स्टेप है इसमें क्ले का प्रिपरेशन, पहला स्टेप है क्ले का प्रिपरेशन। अब क्ले की प्रिपरेशन मतलब क्या है, द क्ले यूज्ड टू प्रिपेयर दिस स्कल्पचर इज सोर्स फ्रॉम लोकल पॉन्ड्स एंड ड्रेन्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि नदियों के पास में, पॉन्ड के पास में, लेक के पास में, तो यहां पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्ले, उस क्ले से आप स्कल्पचर बनाते हैं, वो क्ले का सोर्स क्या है, वो क्ले का सोर्स, इस क्ले का सोर्स है आपका लोकल पॉन्ड एंड ड्रेन, लोकल पॉन्ड उसके आसपास है क्ले, वो हमने जुगाड़ तीन तुगाड़ लिया। दो तरह की क्ले, दो तरह की क्ले दिखेगी आपको जो इस्तेमाल होती है टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग में, दो तरह की क्ले, नंबर वन इज नाड़ा, नंबर टू इज अल्लू। नाड़ा एंड अल्लू, ये दो टाइप है क्ले के जो इस टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल, नाड़ा एंड अल्लू। तो पहला स्टेप क्या है आपका, क्ले प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेप इज क्ले प्रिपरेशन, बोथ द क्ले आर मिक्स। अब ये नाड़ा अल्लू दोनों दोनों क्ले है ना, इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया एक दूसरे से, और उसमें आपने उस उन दोनों के उस क्ले के कॉम्बिनेशन में आपने क्या मिला दिया, 20% हिस्सा मिला दिया आपने ड्राइड एंड सिफ्टेड डोंकी डंक, डोंकी डंक का इस्तेमाल करा और राइस हस्क का इस्तेमाल करा। 20% कंपोजिशन जो है ना बेसिकली वो ड्राइड एंड शिफ्टेड डोंकी डंग प्लस राइस हस्क, ये आपने इस्तेमाल करा। आप राइस हस्क और डोंकी डंग इस क्ले के साथ में क्या क्यों मिलाया जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि जब ये डोंकी डंग या राइस हस्क इसमें मिलेगा ना, तो ये उसकी स्ट्रेंथ, उस क्ले की स्ट्रेंथ को एनहांस कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये दो नंबर का सवाल बन सकता है आपसे कि क्ले के अंदर अपन डोंकी डंग और ये राइस हस का जो चूरा है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करने के लिए, उस क्ले की स्ट्रेंथ को। तो पहला स्टेप क्या है आपका, क्ले की प्रिपरेशन नंबर वन। फिर बेसिकली जैसा कि आप इस इमेज में देख भी रहे हो ना कि नॉर्मल अपने, चूंकि मैनुअल ऑपरेशन है, ट्रेडिशनल आर्ट है ना, मैन मेड आर्ट है, हैंडमेड आर्ट है, तो यहाँ पे इंसान खुद ही सब काम बिना मशीनों के करता है। तो बेसिकली खुद के फीट से या खुद के हैंड्स की सहायता से हम क्या करते हैं, इस क्ले को इवन आउट करते हैं, इसको इवन आउट करते हैं, और पानी और वुडन टूल्स का इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। तो देखो अब इवन आउट कर, अनइवन सरफेस ना रहे, इवन हो जाए, तो यहाँ पे अपने इस्तेमाल करा फुट का, हैंड का, इसको इवन आउट करने के लिए, और बीच बीच में हम यहाँ पानी और वुडन टूल भी इस्तेमाल करें, दिस देन वर्क्स एज द बेस सरफेस। और यही आपका जो स्कल्पचर है, उस स्कल्पचर का ये बनेगा बेस सरफेस, यही जो आपने इवन आउट किया ये बनेगा उस स्कल्पचर का जो आप आकार देने वाले, उसका बेस सरफेस। तो पहला स्टेप क्या सीखा हमने टेराकोटा की, टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग में विधि में जो पूछा था आरएस मेंस के अंदर 18 में सवाल, पहला स्टेप है क्ले की प्रिपरेशन, पहले आपने क्ले को प्रिपेयर किया है, पहला स्टेप। आगे देखते हैं दूसरा स्टेप है क्राफ्टिंग, सेकंड स्टेप है, आपको सेकंड स्टेप स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना। पहला स्टेप क्या है, क्ले की आपने प्रिपरेशन की, सेकंड स्टेप है क्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग यहां पे क्या है, दी वेट क्ले, जो आप, चूंकि वो क्ले वेट थी ना, वो क्ले आपने पानी में इस्तेमाल करा उसमें 20% के आसपास, और वो मतलब क्या कहते हैं, आपने डोंकी डंग और वो राइस भी इस्तेमाल करा है, वो पानी भी किया है, वो वेट किया है उसको। तो बेसिकली वेट क्ले जो है, ये वेट क्ले का इस्तेमाल क्यों किया, वो आसानी टूट जाएगी ना, इसको आप कट कर सकते हो। तो वेट क्ले इज देन कट इनटू डिजायर्ड शेप। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो आर्टिशन है, इस वेट क्ले को जैसी शेप देना चाहता है ना, उस फॉर्म में कट कर रहा है भाई, इसका फेस बना सकता है, उसके हैंड बना सकता है, उसके लेग, जैसा भी वो शेप, जो शेप डिजाइन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो आपका इस हैंड, इसको कट कर रहा है, बेसिकली कट कर रहा है। तो वेट क्ले को कट कर दिया आपने सेकंड स्टेप में। तो उस जनरली हम देखोगे यहाँ पे इनकार्नेशन जो देवी देवता गॉड एंड गॉडेस उन सबके, दुर्गा जी, श्रीनाथ जी, गौरी, नृत्या जी और रामायण की कथाएं, उनसे हम यहाँ प्रेरणा लेके हम यहाँ पे इस करेक्टर्स को बनाते हैं। और जनरली इसके अलावा हम जो हमारे गांवों के अंदर रूरल एरिया में जो एवरीडे लाइफ है, एवरीडे विज लाइफ, उसको भी यहाँ पे थीम कभी कभार रखा जाता है। तो थीम इसकी दो तीन है, एक तो वो है आपकी गॉड एंड गॉडेस जो रहता है राजस्थान की हर कला में दिखेगा आपको, और दूसरा एक खास है जो विलेज गांवों के अंदर जो लाइफ है, एवरीडे लाइफ, उसको भी हमने इस्तेमाल करा उसकी कला के अंदर। फिर आप देखोगे बेसिकली लिम्स, वेस, बॉडी आर मेड बाय द बेसिक टेक्निक। तो स्क्वीजिंग किया, पिंचिंग किया, कॉइलिंग किया, ये जो वही अपने हाथ से कर रहे हो ना, स्क्वीज कर रहे हो उसको, पिंच कर रहे हो उसको, कॉइलिंग कर रहे हो, ये सब अपने हाथ से काम कर रहे हो आप। दीज पार्ट्स एंड देन अटैच टू द वेट क्ले टू क्रिएट ए फर्म शेप।
और ये जो पार्ट्स आपने बनाए, इस पार्ट्स को आपने फिर ज्वाइन कर दिया, और पार्ट्स को ज्वाइन किया तो ये अटैच करके आपकी फॉर्म शेप बन गई। ये फॉर्म शेप बन गई, जो पहले तो आपके जो पीसेस थे, कट पीसेस, उनको आपने जोड़ दिया, अटैच कर दिया उस क्ले से, वेट क्ले से, और ये फाइनली आपकी शेप बन गई, फॉर्म शेप। ये फॉर्म शेप बन गई। वंस द फिगर्स गेट फॉर्म शेप, फिर आपकी जब फॉर्म शेप बन जाती है तो उसके बाद हम शेप बनाने के बाद फिर ऑर्नामेंट्स का, आंखों का डिजाइन देना, ठीक है, और अदर जितने भी डिटेल आपको देनी है शेप देने के बाद। बेसिक शेप बना ली आपने इंसान की, फिर आपने आंखों को कुछ और ऐड करना है, वो आप ऑर्नामेंट ऐड करने हैं, कुछ और चीज ऐड करनी है, स्कल्पचर, वो आप उसके बाद ऐड करोगे। जाहिर सी बात है वो तभी हो पाएगा जब बेस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप था अपना क्राफ्टिंग, पहले क्ले की प्रिपरेशन किया, सेकंड क्राफ्टिंग, थर्ड पे थर्ड आपका फायरिंग स्टेज, थर्ड है आपका फायरिंग स्टेज, उसको अब करोगे बेक। टेराकोटा का मतलब बेक क्ले, अब बेक करोगे इसे। तो फायरिंग में क्या होता है, जो स्कल्पचर है, जो आपने डिटेल शेप को दे दिया, उसको आपने देखो सर्कुलर ओपनिंग का, एक सर्कुलर ओपनिंग का एक स्ट्रक्चर है, क्लिन है, जो फायरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ फायरिंग। जनरली इसी सर्कुलर स्ट्रक्चर में इन 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 जो हमने शेप को डिजाइन दे रहे हैं उसको यहाँ पे फायर किया जाता है, जो क्लिन है। द क्लिन इज कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक्स, आपने इसको ब्रिक्स से कंस्ट्रक्ट किया है, और दी स्कल्पचर्स आर लोडेड इन द क्लिन, जो स्कल्पचर जो भी आपने डिजाइन दिया उन सबको यहाँ पे लोड कर दोगे इस क्लिन के अंदर, और साथ साथ में आप क्या करोगे, बेसिकली इसको सील कर दोगे, इसको ऊपर से आप सील भी कर दोगे, ठीक है, पोटी शर्ट से। और टेम्परेचर जो क्लिन का रहेगा, ये टेम्परेचर भी याद रखना है आपको, 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका उस क्लिन का, इस भट्टी, इस क्लिन का टेम्परेचर 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है उसको तकरीबन 4 to 6 घंटे तक आप फायरिंग करते हो। तो हम यहाँ पे खास बात यह है कि इसमें फायरिंग स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से वो बेक्ड कंप्लीट अपनी फाइनल फिनिश स्टेज तक पहुंचेगा। तो फायरिंग करने के लिए टेम्परेचर जो क्लिन का भट्टी का है वो 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपने 4 to 6 घंटे तक इसको, इस प्रोडक्ट को फायर किया इसके अंदर, ठीक है। ये क्लिन इस्तेमाल करते हैं, तो जनरली सब काम जैसा कि मैनुअली हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख लो इंसान कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस तरह के कामों में। देखिए चौबे जी, मेरी बुक जो RS 360 है, पहले साइंस एंड टेक की आ रही है, और वो इसी हफ्ते इस वीकेंड पे हम रिलीज करेंगे। RAS 360 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नवीन शर्मा के नाम से दिख जाएगी आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट दोनों पे। और RA 360 जो मैं टेस्ट सीरीज मेरा ऐप पे जो चल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट, क्योंकि टेस्ट सीरीज यूट्यूब लेना पॉसिबल नहीं है सभी टेस्ट के लिए, तो आपकी कॉपी जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वो RA 360 ऐप जुड़ के मैं उनकी कॉपी भी वहां पे चेक कर रहा हूँ। पर्पस इतना ही है कि वो जो टेस्ट है वो टेस्ट सब्जेक्टिव है ना, तो उसके लिए तो कॉपी आपको लिख के ही चेक हो पाएगा, इसलिए वो काम मैंने इनिशिएट किया, और इंग्लिश मीडियम मटेरियल मिलता भी नहीं है। तो बहुत खास बात है कि 4 to 6 घंटे तक आपने इसको फायर किया है, और 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेसिकली आपने इसको क्लिन का टेम्परेचर रखा। तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको याद है, टेम्परेचर की रेंज क्या है, कितने पीरियड तक आप उसको हीट कर रहे हो, और क्लिन की सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप। अब देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये नाम भी था कि मैंने आपको बताया ब्लू पोल्ट्री में राम सिंह जी का नाम बताया था, जिन्होंने जिनको बहुत प्रख्यात किया, फेमस किया, उसी तरह से राजस्थान में जो आपका टेराकोटा है या बेक्ड क्ले है, इसको इसकी जो इसकी फेमस एक आर्ट है मोलेला आर्ट, टेराकोटा। राजसमंद में मोलेला, याद रखना, राजसमंद में मोलेला जो है वो बहुत फेमस है। किसके लिए ये फेमस है? आपका टेराकोटा के लिए, इट इज वेरी फेमस। ये बहुत फेमस है आपका टेराकोटा के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो पहली बात, अगर टेराकोटा लिखे तो ठीक है, नहीं भी लिखे खाली मोलेला आर्ट लिखे। मोलेला कहा है? राजसमंद में, गांव है मोलेला, तो राजसमंद में। जब वर्ड मोलेला लिखता है तो अपने आप आपको अंदर लग जाना चाहिए कि टेराकोटा की बात कर रहा है, क्योंकि मोलेला राजसमंद में जो गांव है, इट इज वेरी फेमस फॉर टेराकोटा। तो ये जो आप देख रहे हो सज्जन, इनका नाम है मोहनलाल चतुर्भुज कुमार। ये उसी मोलेला गांव से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत फेमस हैं इस टेराकोटा के काम के लिए, मोलेला आर्ट के लिए। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, इन द ईयर कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2012 के अंदर। तो ये जो आपके मोहनलाल चतुर्भुज कुमार साहब हैं,
ये खुद भी इसको गाइड इसकी गाइडेंस भी देते हैं, टीच करते हैं इसको प्रैक्टिस खुद, तो इनका परिवार पूरा लगा हुआ है इस मोलेला आर्ट में, पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत खास बात है कि मोलेला जो गांव राजसमंद में है, छोटा सा गांव लेकिन बहुत फेमस है टेराकोटा के लिए। तो अभी मैं आपको ये देखिए, ये सवाल आर एस मेंस 2018 में सवाल आया था। आर एस मेंस 2018 में सवाल क्या आया था, एग्जैक्टली सवाल ये पूछा गया था कि मोलेला कराकाओ द्वारा टेराकोटा के जो आर्टिस्ट हैं, टेराकोटा के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करो, कौन कौन से मेथड्स हैं जो सारे आपका क्राफ्टिंग, क्ले प्रिपरेशन और आपका फायरिंग, उस सारे प्रोसेस को आपको डिटेल्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। सवाल ये था, डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द मोलेला आर्टिस्ट इन प्रिपेयरिंग द टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स। तो आप चाहते तो यहाँ पे उस जो मैंने आपको 3 स्टेप बताया अभी, उन 3 स्टेप को यहाँ पे लिखना था, कैसे, फ्लो चार्ट के थ्रू। आप चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट पहले क्या किया अपने, क्ले का प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेप है अपना क्ले का प्रिपरेशन। फिर आपने क्ले के प्रिपरेशन को यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड फिर आपने लिखा यहाँ पे क्राफ्टिंग, सेकंड में है क्राफ्टिंग, और थर्ड में है यहाँ पे आपका फायरिंग, थर्ड में फायरिंग। तो बेसिकली हर स्टेप को क्ले प्रिपरेशन में क्या है उसको टेक्निकल पॉइंट लिखे। फिर आपके वो क्ले कैसे बनी, कहाँ से मिली, कौन सी नदी है, पहले मोलेला, मोलेला कहाँ पे, राजसमंद। इंट्रो इंट्रो दो कि मोलेला आपका राजसमंद में गाँव है, वहाँ वहाँ की आर्ट फेमस है। फिर आपका क्राफ्ट क्ले प्रिपरेशन में जो मैंने आपको बातें बताई थी क्ले के अंदर कि बेसिकली क्ले कहाँ से मिली है वो बात लिखो। फिर क्राफ्टिंग के अंदर जो सारे बेसिक स्टेप्स जो फॉलो किए जाते हैं बिफोर फायरिंग वो सारे लिखने हैं आपको। थर्ड स्टेप फायरिंग में टेम्परेचर रेंज, थर्ड में आपका टेम्परेचर रेंज, और चौथा आपका कितने घंटे जो आर्ट्स, कितने घंटे आप क्लीन में उसको रखते हो। तो ये चीजें आप यहां, तो ये बेसिकली क्ले प्रिपरेशन, क्राफ्टिंग, फायरिंग, ये 3 स्टेप है ना, इसको डिटेल्ड में आप एक्सप्लेन करना था। और लास्ट में आप इनका, इन सज्जन का नाम मोहन लाल चतुर्भुज कुमार का नाम लास्ट में यहां पे लिख सकते थे कि ये मोलेला आर्टिस्ट, इन इन कलाकार की बात की है ना, तो कलाकार की बात है, एक कलाकार का नाम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाम से इनका नाम जरूर देना है, क्योंकि इन्होंने ही इस मोलेला कला को विश्व मंच तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार निभाया। अभी मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट का एक वीडियो दिखाऊंगा और उसमें आप अपने आप देना क्ले, मोलेला क्ले कैसे होते हैं। अभी 2 मिनट का वीडियो है, उसको देखिएगा कैसे ये आपका जो हमारी कला है ये मोलेला कला कैसे काम करती है, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देख पा रहे हैं आप, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूरा जितनी भी इमेजेस हैं ये मोलेला आर्ट पर ही बेस्ड है जो राजसमंद का गांव है। तो मैं आप वीडियो प्ले करूंगा, इसको देखिए आप समझ में आएगा। इस वीडियो में पूरा बताया गया कैसे आपका ये मोलेला जो क्ले है कैसे कैसे बन रहा है, कैसे टेराकोटा कैसे बन रहा है आपका। टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है ये देखिए इसको अच्छे से आप। पूरा बारीकी से समझाया हुआ है कैसे काम हो रहा है, इसको समझिए आप।
देखिए, ये जो आपने देखा अभी नजारा, ये था कैसे टेराकोटा मुरेला जो हमारा विलेज है वहां पे कैसे प्रिपेयर होता है इसका। इसमें लास्ट स्टेप मिसिंग था जो कि फायरिंग स्टेज। मैंने इस वीडियो में फायरिंग नहीं दिखाया गया है। लास्ट ये जो सब काम मुझे आपका पहले हो जाएगा, आपने क्ले प्रिपरेशन, फिर क्राफ्टिंग और लास्ट स्टेज है फायरिंग। फायरिंग में जो भट्टी में क्ले में डालते हो वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो ये बड़ा फेमस है। इसी पे सवाल आपका आरएस जो हमारी परीक्षा थी यहाँ पे, देखिए सवाल यही यही सवाल आपको सारे स्टेप लिखने थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टेराकोटा जो मॉडल आर्टिस्ट है वो कैसे, उन मेथड को एक्सप्लेन करो। तो वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया प्लस मैंने आपको समझा भी दिया, वही कहानी। अब जरूरी नहीं कि सवाल ये है, कुछ और आएगा, ब्लू पोट्री आएगा, कोटा दोरिया का है, कुछ भी आ सकता है, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन स्पेसिफिक मेथड वही है कि पहले फ्लो चार्ट में कहानी लिखो, पहले इंट्रो फ्लो चार्ट में कहानी और फिर हर स्टेप को एक्सप्लेन कर दो। अगर आपने खाली जस्ट दो तीन लाइन लिख दी, लीक मकोटे मार दिए, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग पे। अगला पड़ाव हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग है। ब्लॉक प्रिंटिंग को भी समझ लेते हैं, ये भी एग्जाम के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि बेसिकली प्रिंटिंग में अपन ने यहां पे ब्लॉक्स का यूज करा है, प्रिंटिंग में अपन ने ब्लॉक का यूज करा है, नाम से क्लियर है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग जो है राजस्थान की, ये भी एक एंशियंट क्राफ्ट है। ट्रेडिशनली हम इसको इस्तेमाल आज से नहीं, बहुत समय से इसको ना, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, एंशियंट क्राफ्ट है राजस्थान की। और इसको अपन वी आर यूजिंग इट या वी आर प्रैक्टिसिंग इट सिंस टाइम इमेमोरियल। वी आर प्रैक्टिसिंग, दैट इज बीइंग प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं इस ब्लॉक प्रिंटिंग को। ये वर्ड आपको एक मेंस में लिखना है, जो वर्ड मैं छाट छाट के दे रहा हूं आपको एग्जाम के हिसाब से टू दी पॉइंट बात है, सीधी बात, नो बकवास। तो देखिए अब यहाँ पे जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते हो। यू आर यूज यू यूज नेचुरल कलर, हम यहाँ पे नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये खास बात है। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग है इसमें ब्लॉक, इस आप ब्लॉक यूज कर रहे हो पेंट प्रिंट करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग इसकी शुरुआत होती है 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी से ये फेमस हो गया था, तो ये आज से नहीं है, 12वीं शताब्दी से ये चल रहा है। ब्लॉक प्रिंटिंग जनरली कॉटन के फैब्रिक्स पे, जनरली कॉटन के फैब्रिक्स पे करी जाती है। द प्रिंटिंग इन्वॉल्व लेइंग द क्लोथ फैब्रिक विच इज टू बी, जो क्लोथ है इस इमेज में सब कुछ क्लियर है, वो क्लोथ को आपने रख दिया सतह पे, उस पे बेस पे, और उसके ऊपर फिर आपने ब्लॉक की हेल्प से, उसके बाद आपने ब्लॉक की हेल्प से यहाँ पे इंप्रेशंस को ले डाउन कर दिया। और आप डिफरेंट टाइप्स के इंप्रेशन यहाँ पे ले डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुली कार्व्ड ब्लॉक्स। जो आपके ब्लॉक्स हैं उनको किस तरह से आपने डिजाइन करा है उस पर निर्भर करेगा कि कैसा प्रिंट आप चाहते हो। तो ब्यूटीफुली कार्व्ड ब्लॉक्स और उसके थ्रू इंप्रेशन यहाँ पे आपको दिखेगा इस पर्टिकुलर कॉटन फैब्रिक पे। इन केस ऑफ, अब दो तरह के हैं इसमें, एक तो डायरेक्ट प्रिंटिंग भी होता है, एक आपका एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट है जिसको अपन रजिस्ट डाइंग भी कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रिंटिंग में तो क्या है कि जो ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक को आपने एक कलर डाई है, उस डाई में डिप किया, ब्लॉक को आपने डाई में डिप किया और डाई में डिप करके यहाँ पे प्रिंट मार दिया, ठीक है। तो ये तो है आपका डायरेक्ट प्रिंटिंग के केस में। दूसरा केस है यहाँ पे रजिस्ट डाइंग। रजिस्ट डाइंग यहाँ पे जो इंप्रेशन हमको पर्टिकुलरली इस कॉटन फैब्रिक पे देना है, इस रजिस्ट डाइंग के केस में जो इंप्रेशन देना है आपको, उसमें आप इस्तेमाल करते हो इम्परमिएबल मटेरियल। इम्परमिएबल मटेरियल क्ले रेसिन वैक्स का इज मेड ऑन द फैब्रिक व्हिच इज देन डाइड इन द डिजायर्ड शेप। तो यहां पे इंप्रेशन को आप रजिस्ट डाइंग में आपने क्या करा, आपने बेसिकली एक मटेरियल लिया जो कि क्ले हो सकता है, जो रेसिन हो सकता है, जो वैक्स होता है, इसको बेसिकली आपने फैब्रिक फैब्रिक पे इसको इम्प्लांट किया, इस इम्परमिएबल मटेरियल को, Which is then dyed, और इस मटेरियल को आपने डाई कर दिया, आपने ब्लॉक को ब्लॉक ब्लॉक को डिप नहीं किया है यहाँ पे, जो आपने ये जो किया है यहाँ पे इस्तेमाल पर्टिकुलरली क्ले रेसिन वैक्स, इसको आपने डाई करा। और उसके बाद क्या हुआ, चूंकि उसकी शेप थी तो ब्लॉक से जब प्रेस करोगे तो इंप्रेशन उस पर जाएगा। जब ब्लॉक से पर्टिकुलरली इस जो आपने क्ले रेसिन का इस्तेमाल करा है इसको आप प्रेशर दोगे तो वो यहाँ पे इम्प्रिंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रजिस्ट डाइंग। रजिस्ट डाइंग ब्लॉक इमेज रिमेन्स अनप्रिंटेड एंड रीअपियर्स इन रिवर्स। इस प्रोसेस में जो जो इमेज है ना, जो ब्लॉक पे इमेज हम चाहते थे, उसकी उल्टी इमेज, उसकी उल्टी रिवर्स इमेज आएगी।
ठीक है, एक में तो डायरेक्टली आपने डिप किया और इस्तेमाल कर दिया, एक में आपने इम्परमीएबल मटेरियल का इस्तेमाल कर क्ले रेसिन का। दो तरह के प्रोसेस, डायरेक्ट प्रिंटिंग और आपका रेसिन डाइंग। अब यहां पे एक बात और नोट करने की है कि ट्रेडिशनली तो हम यहाँ पे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते थे, लाइक वेजिटेबल कलर्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होता था नेचुरली कलर देने के लिए। लेकिन समय के साथ में, समय बदला, ये कलर्स गए, अब सिंथेटिक डाई का जमाना है, तो वी आर नाउ यूजिंग सिंथेटिक डाइस। अब जनरली जितने भी आपके वेजिटेबल डाई या नेचुरल रिसोर्सेस थे वो सब खत्म हो गए हैं, अब इस्तेमाल करते हैं हम टाइम बचाने के लिए, और ये सस्ता भी पड़ता है, सिंथेटिक डाई। ठीक है, तो ये है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हो इंप्रेशन को ले डाउन करने के लिए उस कॉटन के फैब्रिक पे। अब एक सवाल, जब आपको एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आप ये भी लो, एग्जाम में देखिए भावना जी, भावना जी, एक्चुअली मेरा कंटेंट इंग्लिश में, मेरी किताब भी जो आ रही है RS 360, वो इंग्लिश मीडियम के मटेरियल नहीं मिलता ना छात्रों को, उसमें कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, सब चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में भले ही कंटेंट देता हूँ, एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ ताकि हिंदी मानने वालों को दिक्कत परेशानी ना आए। पर एक एजुकेटर का एक पर्टिकुलर मोड ऑफ मीडियम रह सकता है, तो मेरा मोड ऑफ मीडियम आपका इंग्लिश है, लेकिन स्टिल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर चीज को आपको हिंदी में बोल के एक्सप्लेन कर दूं। तो ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो सांगानेर, जो सांगानेर है विख्यात है, सांगानेर विख्यात है, जयपुर के पास सांगानेर, इट इज वेरी फेमस फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज पैट्रोनाइज बाय द, जो आपके मैंने कहा ना जितनी भी हमारी जो ट्रेडिशंस है इसको रॉयल फैमिली ने पैट्रोनाइज करा, इसलिए फेमस हुई है। राजे रजवाड़े भी उसको पैट्रोनाइज नहीं करते, फेमस नहीं हो पाती, तो रॉयल फैमिली ने इसको पैट्रोनाइज किया और वो फेमस होती गई। तो सांगानेर आपका बेसिकली इस जमाने में एक्सपोर्ट हब बन चुका है। सांगानेर ब्लॉक प्रिंटिंग की डिमांड यदि विदेशों में जो आती है, विदेशों की डिमांड को कैटर करने के लिए सांगानेर जो आपका एक्सपोर्ट हब बन चुका है। तो सांगानेर प्रिंट इज विजिबल फ्रॉम स्मॉल फ्लावर मोटिव। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपन कलर्स जो आप डिजाइन देते हो ना, यहाँ पे डिजाइन देना चाहते हो इंप्रेशन, वो इंप्रेशन भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे फ्लावर्स का, प्लांट्स का। तो यहाँ पे अपन ने इस्तेमाल करा सनफ्लावर इंप्रेशन, रोज का आपने यहाँ पे मोटिव दिया, मोटिव मतलब जो डिजाइन आप दे रहे हो, तो डिजाइन इसको कहते हैं मोटिव, इट इज कॉल्ड मोटिव। तो यहाँ पे रोज का दिया आपने, यहाँ पे फ्लावर का दिया आपने, यहाँ पे पर्टिकुलर रुद्राक्ष का, अगर थोड़ा सा मतलब उस पर जाएंगे स्पिरिचुअल तो रुद्राक्ष का, तो तमाम मोटिव दिए जाते हैं, बट जनरली यहाँ पे फ्लावर्स का, सनफ्लावर का, रोज का खास तौर पे देखने को मिलता है मोटिव इस तरह की ब्लॉक प्रिंट में। द प्रिंसिपल आइटम प्रिंटेड हेयर कौन, आप साड़ी पे दुपट्टा, जो कपड़े जो फीमेल्स के जो आपके ड्रेसिंग हैं, अटायर हैं, उस पे आप देने के लिए, सलवार कमीज पे, बेड कवर पे, बेड कवर पे, कर्टेन्स पे, कर्टेन्स पे और प्रिंटेड यार्डन, इन सभी पे आप डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डोमेस्टिक आइटम्स भी हैं जो पहनने की, खासतौर पर फीमेल के जो ड्रेसिंग अटायर है, उसमें आप यहाँ पे इस ब्लॉक प्रिंटिंग से डिजाइन मोटिव देने का प्रयास करते हो। एट प्रेजेंट मुलबुल कॉटन वोलाइन लट्ठा शीटिंग फैब्रिक्स एंड कैम्बरिक ईटीसी आर सोर्स फ्रॉम जयपुर। तो ये इतना फेमस है सांगानेर का कि इसकी डिमांड जो है वो जगह जगह से आती है, ये आप याद रखना। तो ये सवाल जब ब्लॉक प्रिंटिंग का आएगा तो ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में दो तीन लाइनें, एक तो डायरेक्ट प्रिंटिंग आपके जवाब में होना चाहिए, आपके जवाब में रजिस्ट डाइंग होना चाहिए, दोनों स्टेप होने चाहिए, प्लस ये कहां से निकला है, इस सांगानेर का फेमस है और नेचुरल कलर का अपन इस्तेमाल करते थे, अब हालांकि सिंथेटिक डाई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें उसको जस्टिफाई कर देगा आपको कि कैसे इसमें ओरिजिनली प्रिंटिंग हो रही है, उसकी तकनीक, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर राजस्थान में वो स्पेसिफिक तकनीक की बात करता है कि इस तकनीक को एक्सप्लेन, उस विधि को एक्सप्लेन करो जिससे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। तो आपको वहां पे ये डायरेक्ट प्रिंटिंग और रजिस्ट डाइंग, ये दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिस इज द डिफरेंस। अगर आप यहाँ पे आपने एक्सप्लेन नहीं करा तो कहानी अधूरी रहेगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये कहानी थी हमारी, फिर एक लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं आज का, फिर अभी बहुत सी चीजें मुझे करनी है आर्ट एंड कल्चर डिस्कस, तो एक एक करके मैं आपके टॉपिक दिसंबर में खत्म कर दूंगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। ये मेरा पहला लेक्चर था राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, जहां मैंने कुछ आपके हैंडीक्राफ्ट को फोकस किया, अभी इसमें चीजें बची हैं, अभी चीजें बची हैं, अभी मुझे आपके इनटेंजिबल आर्ट की बात भी करनी है, अभी वो आपके जियो टेक जिनको मिल चुका है, जियो टेक राजस्थान के जिनको जियो टेक मिल चुका है उनकी बात भी करेंगे। स्टोन कार्विंग आप देखो डिजाइन, स्टोन पे आपने डिफरेंट जो है कार्व किया, स्ट्रक्चर पे डिजाइन दिया स्टोन कार्विंग, तो राजस्थान की स्टोन कार्विंग भी बहुत समय से विख्यात है, फेमस है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप क्या करते हो, नेचुरल स्टोन,
जो नेचुरल स्टोन है, नेचुरल स्टोन उसको आपने शेप दिया है बाय द कंट्रोल्ड रिमूवल ऑफ स्टोन। तो बेसिकली जो नेचुरल स्टोन इस्तेमाल किया उसको आपने मैन्युफैक्चरिंग से, अपने उस प्रोसेस से आपने यहां पे डिजाइन देने का प्रोसेस, मतलब डिजाइन देने का काम किया है। तो बेसिकली परमानेंस ऑफ द मटेरियल स्टोन वर्क, तो ये सब जो कैटेगरी है ना स्टोन वर्क में आती है। स्टोन कार्विंग, स्टोन, राजस्थान का स्टोन वर्क भी देश विदेश में विख्यात है, स्टोन वर्क उस कैटेगरी में आता है। और ये भी हम बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की बात नहीं है। वर्क कैरिड आउट पहले, जबकि स्टोन वर्क तो हमारे जो आदि मानव थे, पैलियोलिथिक सोसाइटी, नियोलिथिक सोसाइटी, मैसोलिथिक सोसाइटी, जो पाषाण काल था, स्टोन एज, वहां पर भी हम इस स्टोन की कार्विंग, स्टोन में कलाकारियां तो करते ही थे आदि मानव भी। स्टोन कार्विंग दैट इज डन टू प्रोड्यूस लेटरिंग इज मोर ऑफन रेफर्ड टू एज, अब देखो इसका एक स्पेसिफिक वर्ड भी, यदि आपको स्टोन कार्विंग ना देके एग्जाम में वर्ड लिख दे लेटरिंग, ठीक है, जो लेटर से डिराइव हुआ है, लेटर वर्ड से डिराइव हुआ है, तो इसका मतलब ही स्टोन कार्विंग से ही है। तो हम यहां पर कुल मिला के क्या कर रहे हैं कि आप जो है पहले तो आपने माइनिंग किया, माइनिंग से स्टोन को जो अर्थ है उससे बाहर निकाला, पहला स्टेप। उसके बाद आपने स्टोन कार्विंग जो है वन ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच मे बी यूज्ड बाय आर्टिस्ट व्हेन क्रिएटिंग ए स्कल्पचर, तो आप यहां पे कटिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल करोगे इसको डिजाइन और शेप देने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना नहीं कि डेकोरेटिव पर्पसेस के, बल्कि आप इससे स्कल्पचर, हम कई बार इससे स्कल्पचर भी डिजाइन करते हैं स्टोन कार्विंग से, जो मटेरियल हमको नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दिया, कट कर दिया, और हमने एक स्कल्पचर का उसको आकार दे दिया। The term also refers to the activity of masons in dressing stone blocks for use architecture में हो, civil engineering building। तो आप देखोगे ना बड़े बड़े फोर्ट के अंदर, राजस्थान में जो बड़े बड़े फोर्ट हैं आपके, वहां पे स्टोन कार्विंग एक सिग्निफिकेंट फीचर है। जितने भी राजस्थान में फोर्ट हैं, जितने भी आपके हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, वहां पे आपको ये स्टोन कार्विंग दिख जाएगा। नेचुरल स्टोन से अपने कार्व किया, सिंपल सी बात है, स्टोन को कट करके अपने पर्टिकुलर मैनिपुलेट करके हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे शेप देने का प्रयास, कार्व किया है, शेप दिए। तो अगर आपसे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट या आर्ट एंड कल्चर सवाल आता है ना, तो वहां पे आप स्टोन कार्विंग का पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। ये भी राजस्थान का एक यूएसपी है, ये भी एक यूएसपी है। तो खैर साथियों, मैंने आपको इस लेक्चर में काफी चीजें बताई, और ये जो मेरा शुरुआत थी तो फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक बात करी मैंने आपसे। अभी आने वाले दिनों में मैं काफी चर्चा करूंगा आपसे इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, डिटेल में बात करेंगे, और हम देखेंगे राजस्थान के अंदर और कौन कौन से आपके हैंडीक्राफ्ट है जिनको कुछ स्पेशल टैग भी मिला हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, प्लस जिनका एक्सपोर्ट है बहुत अच्छा खासा योगदान है, फिर राजस्थान का आर्किटेक्चर, राजस्थान की हेरिटेज, डिटेल में एक एक करके सारे विषयों में बात करेंगे। क्योंकि ये क्लास थी मेरी जो कि फोकस था आपके हैंडीक्राफ्ट पे, हैंडमेड आइटम पे, और मैंने आज आप पे काम किया टेराकोटा पे काम किया, मैंने आज काम किया आपका इस पे ब्लू पोल्ट्री पे काम किया, फिर सवाई माधोपुर की मैंने ब्लैक पोल्ट्री पे काम किया, उसके बारे में चर्चा करी हमने यहाँ पे, फिर हमने खासतौर पर टेराकोटा के सारे ऑपरेशन, टेराकोटा के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखे, सवाल जो आता है वो देखा, फिर मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में कैसे बेसिकली टेराकोटा आपका बेसिकली बनता है उसका वीडियो वो जरूर देखिएगा, वो नेचुरल प्रोसेस कैसे बनता है वो बताया। फिर एक चीज हमने एक और डिस्कस किया था आपसे, एक पॉइंट और था, ब्लॉक प्रिंटिंग पर चर्चा करी। तो ये चार पांच चीजें करी हैं, और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत क्रिटिकल 5 नंबर का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो उस टॉपिक से, स्टेप पूछेगा, स्टेप सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तैयार हो जाइए इसके लिए, जो मेरी खुद की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी सवाल इस तरह के देता हूं मैं, और मेरी बुक RS 360 साइंस एंड टेक की इसी वीक में लॉन्च हो जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों पे। तो साथियों मिलते हैं आपसे फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ रहे, हैव ए वेरी नाइस डे।